हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस गहना के बारे में, जो कि 2009 मॉडल है, और इसका रिव्यू देने वाली हूँ कि इसमें क्या खास है और क्यों इतनी फेमस रही है कार ये। तो वीडियो को हम स्टार्ट ही करते हैं। प्रोडक्ट फ्रंट का लुक कुछ ऐसा दिखता है, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स हैं, फॉग लैंप्स मिलते हैं आपको। ये इसके वाइपर हैं, जो कि इसके वाइपर भी एडाप्टर मार्केट हैं, और ये इसका लुक है फ्रंट का, आई लाइट्स का। और ये साइड फेंडर है, ये टायर्स है इसके 13 इंच के, और ये साइड बॉडी कुछ ऐसे दिखती है आप देख सकते हैं। और ये टायर्स हैं इसके, और ये बैक हेडलाइट्स जो कि मतलब, और ये वाइट बॉक्सी डिज़ाइन बैक से साइड से, और ये इसकी दिल्ली मुंबई गाड़ी है। मतलब जब सो खोल देखता हूँ अंदर इसका टायर दिखाने वाला हूँ, और इसका इंजन भी दिखाने वाला हूँ, इंजन का साउंड सुन रहा है। ये इसका आपको इंडिया मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसका साइड मिरर है जिसमें हमने, वो इसका हैंडल है ये, और इसका पूरा इंटीरियर है जो कि मतलब काफ़ी सिंपल है और स्वीट दिखता है, काफ़ी बॉक्सी सा ये इसका इंटीरियर है। और इसका एसी वेंट, और यहाँ पर दो एसी वेंट्स हैं, यहाँ ये क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये म्यूजिक सिस्टम है, चार्जर है, ये गियर बॉक्स है इसका जो है 5 स्पीड में आता है, और मैं आपको लगा दिखाऊँगा कैसे कैसे लगते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, अभी थर्ड, अभी ये फोर्थ, अभी ये फिफ्थ, और हमारे ये रिवर्स। अब ये रिवर्स लगाते हैं, ये रिवर्स लग गया, अब इसमें बुकिंग कर देते हैं। और ये हमारा एसी डायरेक्शन कंट्रोल है, और ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर, और ये फैन कंट्रोल है एसी के। काफ़ी स्वीट एंड सिंपल गाड़ी थी, जो कि एकदम फैमिली के लिए और लो बजट गाड़ी थी। और यहाँ पर एसी कंट्रोल है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये इसका आफ्टर मार्केट सीएनजी कंट्रोल है इसका, और ये यहाँ पर इसकी लाइट्स की कंट्रोल लीवर के लिए, और यहाँ पर ये इसकी लाइट्स, तो यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में, और ये ग्लो हो रही है। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं लेफ्ट राइट के जब आप ड्राइविंग करते हो, तो यहाँ देख सकते हैं। और ये है आपकी वाइपर कंट्रोल्स, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से वाइप होते हैं वाइपर्स। और यहाँ पर ये दिया गया है आपको म्यूजिक सिस्टम, जो कि मारुति से लगा हुआ है, जो कि कॉस्ट करता है आपको 3 to 4 thousand rupees। और यहाँ देख सकते हैं इसका ब्लूटूथ ऑक्स, रेडियो, सीडी, ये सब आपको मिल जाता है। और ये सर ग्लो बॉक्स है, नॉर्मल साइज ग्लो बॉक्स है, और इसके नीचे स्टोरेज दी गई है, काफ़ी सिंपल है, स्वीट है। और ये इसका एस्ट्रे है, ये चार्जर है इसका 12 वोल्ट का, और इसके पैडल्स हैं, क्लच, ये पूरा क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है, ये ग्रैब गियर बॉक्स है, ये आपका गियर लॉक है, ये हैंड ब्रेक है आपका, काफ़ी सिंपल स्वीट डी मुझे लगता है इसका। और ये रियर आपका बोतल होल्डर है, कुछ इस तरह की सीट दिखती है यहाँ पर, और कुछ तरह का स्वीट इंटीरियर भी इसका आगा। चलते हैं इसकी बैक साइड, ये इसका डोर हैंडल, तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिनिश यहाँ पर मुझे लगा आज की। पहले की मारुति कार्स में काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिलती थी, पर आज की गाड़ी में इतनी अच्छी स्टोरेज नहीं मिल पाती है। तो देख सकते हैं काफ़ी स्टोरेज वाइज अच्छी गाड़ी है, लो मेंटेनेंस गाड़ी है। पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका यहाँ पर ट्रिप दिखाएगी, और यहाँ पर किलोमीटर्स के अंदर कितने किलोमीटर रन है। और ये इसका लॉक एंड अनलॉक यहाँ पर बटन है, और यहाँ पर पावर विंडोज मैनुअल मिलते हैं, या इसमें ऑटो वाला नहीं आता। इसके टॉप एंड पर आता है जो कि BXi है, इसका आपका मिरर मिलता है, ये इसकी रीडिंग लाइट, ये आपका सनवाइज़र है यहाँ पर, ये ड्राइवर साइड सनवाइज़र है, ये टिकट होल्डर है आपका, यहाँ पर कोई भी कुछ ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है, और आपको पीछे भी मिलता है दो दो। काफ़ी मुझे अच्छी गाड़ी लगती है ये, पीछे से उसका हैंडल्स मिलते हैं फ्लेक्सीबल, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसको खोलते हैं और चलते हैं, अब आपको उसको बैक साइड दिखाते हैं। इसके अंदर आपको एक तो लॉक अंडर नाम दर्श मिलता है, मेन तो पावर विंडोज मिलती हैं, इसको लैग स्पेस वाइज भी ओके गाड़ी है। बाकी देख सकते हैं आप, 3 आपको ये 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लेक्सीबल है, पर ये काम नहीं कर रहा है, शायद ये जाम है। ओके, तो इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है आपका बैक साइड, यहाँ पर इसके शॉकर हैं डिग्गी के,
काफ़ी अच्छी गाड़ी थी ये, मतलब उस टाइम की। और इंस्टा का डैशबोर्ड दिखता है इसका फ्रंट से, तो यहाँ देख सकते हैं आर्म रेस्ट है, मैनुअल पावर विंडोज़ हैं, यहाँ थोड़ा सा हम्प जरूर मिलता है, इस पर आप उसे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फैब्रिक फिनिश है, सीट बेल्ट है, काफ़ी अच्छी गाड़ी मुझे लगती थी उस टाइम की, और अभी भी मुझे काफ़ी अच्छी ऐसा रिस्पॉन्स है इसका, 10 साल उसको पूरे हो चुके हैं। तो उसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको बैक साइड के इसके लीवर सारे और बोनट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे इसको हम आपका। तो यहाँ दिखाते हैं आपको डिकीज की। ये गाड़ी आपको CNG में मिलती है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट CNG है, जो कि आपको कम से कम 150 से 200 किलोमीटर का एवरेज ईजी दे देती है आपको हाईवे पे, और आपको साइड में जाते हो तो आपको 150 मीटर तो मिल ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी जगह बच जाती है फिर भी CNG लगने के बाद भी, देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आता है CNG लगने के बाद। तो इसको बंद कर देते हैं डिक्की को। अब दिखाते हैं आपको इसका फ्यूल टैंक लीवर, ये यहाँ पर फ्यूल टैंक है, यहाँ से पेट्रोल भरा जाएगा। यहाँ पर दिखाया इसको आराम से खोलिए, ना कि इसको जल्दी जल्दी खोलिए, क्योंकि इसके अंदर बढ़ता है प्रेशर, जिससे कि आप इसको पेट्रोल बाहर आ सकता है झटके से, इसलिए आप इसको आराम से स्लो स्लो खोलिए। तो मैं बंद कर देता हूँ उसको अच्छे से, तो मैं ठीक है बंद कर देता हूँ उसको, तो वार्निंग दी है तो बंद कर देते हैं इसको। आप चलते हैं इसके फ्रंट साइड में, और इसके टायर से 13 इंच में आते थे, अलावा का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ ऐसे देख इसका फ्रंट देख सकते हैं, इसकी हेडलाइट्स है, काफ़ी अच्छी मेंटेन कार है ये, फॉग लैंप आफ्टर मार्केट, यहाँ पर फॉग लैंप मिलते हैं। और ये कुछ क्रोम ग्रिल दी है, इसका इंजन दिखाता है आपको, चलो खोलते हैं बोनेट। कुछ इस तरह का आपको इंजन मिलता है इसमें, आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन इंजन है, और इसमें कभी भी लीकेज नहीं है अभी तक, और इसका भी अभी इंजन हुआ है। यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स, आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग देख सकते हैं, यहाँ पर लीकेज अभी नहीं दिए गए। यहाँ पर ये CNG, यहाँ पर आफ्टर मार्केट कुछ इस तरह का मिलता है आपको ये इंजन। अब आपको स्टार्ट करके इंजन दिखाता हूँ कैसे इसकी साउंड आती है। तो सुनिएगा आप इसकी साउंड, अब मैं इसकी साउंड आपको सुनाता हूँ, तो सुनिए। तो इसके आप साउंड आप सुनिए, तो देख सकते हैं आप साउंड इसकी, शायद साउंड आपको नहीं आ रही होगी, अब मैं आपको तो साउंड देता हूँ। काफ़ी साउंड आती है इस गाड़ी में, से काफ़ी बेसिक गाड़ी लगती है मुझे, एकदम लो मेंटेनेंस है, तो इसके पास एकदम बड़ा स्पीकर आते हैं, इंजन की 20,000 आ जाता है, मतलब बेस्ट क्लास गाड़ी है वो लोग। तो मैं देख सकता हूँ इंजन यहाँ पर ठीक है गाड़ी, और इसमें साउंड भी नॉमिनल है, उससे ज़्यादा हाई पे नहीं है अच्छी लगती है गाड़ी में। तो मुझे बताइएगा जो कमेंट में आपको गाड़ी कैसी है लगी, और कैसी साउंड लगी, और इसकी कैसी बॉडी लगी, कैसी मतलब इसके परफॉर्मेंस आपको लगी, मैं अपने और टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा कि चलने में कैसी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।